ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक 15 वर्षीय छात्रा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पड़ोसी युवक अरमान खान पर उसे छेड़छाड़ कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मंगलवार की जनसुनवाई में अपनी मां बाप भाई के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची छात्रा ने बताया कि उनसे पड़ोसी युवक अरमान खान काफी लंबे समय से छेड़छाड़ कर प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत थाना जनकगंज में लगभग एक माह पूर्व करी गई थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से आरोपी के हौसले बुलंद है। पिछले दिनों छात्रा के भाई द्वारा समझाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। छात्रा ने बताया कि आरोपी की प्रताड़ना से वो दुखी व भयभीत है, उसके घर से निकलना दुभर हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदेल सिंह ने छात्रा को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खान की शिकायत है, वो मुझे छेड़खानी करता है और मेरे भाई को परेशान कर रहा है। बकरा मंडी गेंडे वाली सड़क मुरब्बर की चक्की में ये शिकायत है कि मुझे वो परेशान करता है, मुझे अरमान खान। कब से परेशान कर रहा है? एक दो महीने हो गए सर। तो दो महीने से आपको परेशान कर रहा है, इसकी शिकायत आपने थाने में की? जी की। क्या हुआ वहाँ थाने में जब आपने? उन्हें FIR की। हाँ हाँ उन्हें FIR की, पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया ना। FIR करके गिरफ्तारी नहीं की है? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। किस तरीके से परेशान कर रहा है? मैं कहीं जाती हूँ दूध लेने तो मुझे 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 रोकता है बीच सड़क पे और मेरा हाथ हाथ पकड़ता है और क्या कहते हैं, मैंने इसके चक्कर में दो तीन इसने मुझे रैपट भी मारे हैं और शादी करने के लिए ही बोलता है और मैंने उससे मना भी की कि नहीं। आप कैसे जानते हो, किस तरीके से कॉन्टेक्ट में आई, आप किस तरीके से? मोहल्ले का है सर, वो मारेगा जी। आपने नहीं किया जो पीछा कर रहा है? सर घर पे बताई? हाँ सर, मैंने अपने घर पे बताई थी। ये भैया है आपके? जी मेरे। क्या मामला यही है सर, जब मुझे पता पड़ा, हाँ मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैं अहमदाबाद में जॉब करता हूँ, जब मुझे मालूम पड़ा ऐसी बात है तो फिर मैं आया। जब मैंने कार्रवाई की तो इसकी मैंने पूछताछ की तो वो लड़का मेरे सामने नहीं आ रहा, भाग रहा था। उन्होंने सोचा मैं शायद उसको मारूँगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैं FIR करने गया, FIR हो गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। एक महीना हो चुका है इस बात को। और मेरे को ब्लैकमेल करता है कि फ़ोटो वायरल कर दूंगा, फ़ोटो तो वायरल वो कर चुका है जी, लेकिन वो मेरे साथ मारपीट करने की वो बोलता है और मारपीट मेरे साथ हुई है, मेरा सिर भी पड़ा है, मेरे पास FIR भी है। हाँ जी, मेरा सिर पड़ा है, FIR भी है सर। उसके चाचा ने की है, उसके चाचा के दोस्तों ने की है। मेरी मार्केट की थी 11 ये अभी 4 दिन की बात है, 4-5। मैं अहमदाबाद में टावर का काम करता हूँ सर। अभी जब आप यहाँ एसपी ऑफिस आए, आपने साहब को आवेदन दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? आवेदन जिसन जी मिला है सर, कि उन्होंने बोला है, टाई साहब को मेरे सामने कॉल किया था कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए।